तो ठंड की बात करो ना तो ठंड बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि हम एक जगह पर ट्रैकिंग करने जा रहे हैं जहां पर कि अभी के टाइम पे अच्छा खासा स्नोफॉल हो रखा है, तो वहां की ही तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो सुबह मतलब थोड़ा सा लेट हो गया कल थोड़ा सा लेट सोया ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी क्या कर रहा हूँ कि जो अपना पूरा कैंपिंग का सामान है, अपना स्लीपिंग बैग हो गया, टेंट हो गया, इनको सभी को पैक कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट ज़्यादा सामान नहीं ले जाऊँगा, कपड़े ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, बस एक जैकेट रखूँगा अपने साथ में और एक राइडिंग जैकेट। और कुछ यहाँ पर मैंने अपने इक्विपमेंट चार्ज लगा रखे हैं बीके समय पर, बिस्तर आने के बाद सही करेंगे। तो एक बार फटाफट से इनको पैक करता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करके, मम्मी भी आज पराठे बना रही है तो पराठे खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो कितनी जल्दी मतलब आज यहाँ पर ना धूप आ गई है, तो आप इस एरिया में देख सकते हो कितना मतलब खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और जिस साइड में मुझे जाना है तो उस साइड में भी काफ़ी अच्छा एरिया है, मतलब चौपता की जैसी जगह है भाई चौपता। या अगर थोड़ा सा डेवलप हो जाए ना तो उससे भी बेहतर है, मतलब अगर खूबसूरती की बात करें तो। क्या करते हैं एक बार चलते हैं और उस जगह को थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो वही अपना पूरा सामान बाइक पे माउंट हो गया, तो यहाँ पर मैं इस बारी ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा बिस्तर है, टेंट है और जैकेट है कुछ ना गर्म, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो ज़्यादा सामान नहीं है। तो अपनी बाइक भी मतलब ऑलमोस्ट कोल्ड वार्म हो ही गई है। तो ऐसा करते हैं फटाफट से मैं हेलमेट लगाता हूँ और कैमरे को हेलमेट में माउंट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे बाइक पे, ठीक है। तो गाइस गांव से निकल चुके हैं भाई आगे और अब चलते हैं सीधा। थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, ज़्यादा मोटो व्लॉग नहीं रखूंगा क्योंकि यार आपको अच्छी अच्छी जगह दिखानी है। तो भाई पिनानी धार में पहुँच गया हूँ मैं और यहाँ पर एक लड़का और आ रहा है। दरअसल उसकी बाइक का ना कल एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा है, बाइक का स्टेयरिंग भी थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो इसलिए थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ। कि मैंने कहा चल भाई दमदेवल तक मैं भी हूँ तेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जा साथ में। तो पीछे पीछे आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। तो बंदे को बोला है ना कि धीरे धीरे जाना यहाँ से, और मुझे यहाँ से ऊपर को जाना है। अच्छी बात यह है कि जस्ट अभी बस गई है, तो मैं बस के पीछे पीछे चले जाऊँगा। दरअसल ऊपर को ना पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं यार बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश करूँगा कि बस को पकड़ लूँ जल्दी से, क्योंकि अकेले तो नहीं जाना है यार इस रास्ते से। अभी जस्ट 5 मिनट हो रहे हैं बस को गए हुए, तो मुझे लगा था कि मैं बस के साथ में जाऊँगा, लेकिन बस यार कितनी तेज़ गई है यार, दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर भी। मुझे लगा था मैं बस के साथ में जाऊँगा, बस वाला तो भाई वो तो तूफ़ान निकला भाई। तो यहाँ पर हो जाती है पश्चिमी अमली रेंज ख़त्म, यहाँ पर लिखा है ना जैसे बोर्ड पे लिखा है, और यहाँ पर से ये आगे बाणापोड़ है और वहीं पर आगे चल के देवा माता का मंदिर भी है। वो देखो यहाँ से हिमालय भी दिखना शुरू हो गया ना उस साइड में, तो मतलब अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है भाई, चोटियों में बहुत बर्फ़ पड़ी है। तो यहाँ पर देवा माता का मंदिर है, मम्मी ने बोला था कि यहाँ पर भेंट लगा के जाना। तो यहाँ से देखो इन जंगलों को, कितने घने जंगल है, और इस साइड से आया भाई मैं, और अभी मुझे और जंगल वाला रास्ता क्रॉस करना है। तो इस साइड में भी हिमालय दिख रहा है पूरा का पूरा भाई, क्या हिमालय दिख रहा है यार, ये तो बहुत नज़दीक है। मैं सोच रहा था पौड़ी से अच्छा दिखता, लेकिन पौड़ी से भी अच्छा दिख रहा है। देखो बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, देखो ऊपर की साइड में, ये देखो यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है भाई, ये देखो बर्फ़ पड़ी है भाई इस साइड में यार अरे दादा। तो ये है दूसरा देवा माता का मंदिर। जय हो माँ, कृपा करो मेरे सारे सब्सक्राइबर पे, जितने लोग देखते हैं। इसने भाई मेरे मतलब कलेजा लेके आया था मुंह में, मुझे लिटरली लगा मैंने कहा सारा बाघ कूद गया ऊपर से। तो भाई पहुंच गए चौरी खाल, और यहाँ से आगे ना चौरी खाल ये शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो भाई फाइनली चौरी खाल में पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे पहुंच के लिटरली मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है भाई। वो जो जंगल था ना यार बीच में, उससे देख के तो ऐसा लग रहा था कि कैसे भी तरीके से बस क्रॉस कर दूँ, और कोई भी नहीं दिख रहा था यार मुझे, तो मतलब डर इस बात का लग रहा था कोई बाघ वूघ ना आ जाए
पर जो भी है मतलब क्रॉस कर ही दिया और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, थोड़ा सा चाय पीता हूँ क्योंकि ठंड भी काफ़ी लग गई है। और यहाँ से जो वादियाँ दिखाई दे रही ना एक नंबर है भाई, एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से आगे। तो यहाँ से देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत। तो मैं आया था इस साइड से और जाना इस साइड को है। थैलीसैंड इसी साइड में है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा थैलीसैंड? अच्छा वो बड़ा वाला। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से ना सीधा आगे वो थैलीसैंड दिखाई दे रहा है। कैमरे में पता नहीं दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत जगह में, तो मुझे वहाँ पर जाना है। दरअसल यहाँ से ना एक लड़का भी है मेरे साथ में लोकल, तो मैंने उससे बात करी तो वो कह रहा था कि थैलीसैंड में आ रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थैलीसैंड में ही चला जाऊँगा और बाइक भी एक बार रिफिल कर दूँगा, तो फिर वहाँ से फिर आगे को फिर जाएंगे फिर। पर जो भी है यहाँ से हिमालय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो भाई अपनी चाय भी कंप्लीट हो गई, अब यहाँ से आगे चलते हैं। थैलीसैंड बोला यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर है, तो वही है मतलब आधा से एक घंटा और लगने वाला है। तो चलते हैं आगे को और आगे को दिखाते हैं आपको कुछ और। ये कप इधर ही रख दूँ? ओके जी। तो ये है भाई चौरी खाल, थोड़ा सा ही है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो भाई फाइनली पहुंच गया मैं कपरोली में, और कपरोली को देखो यार ये क्या जगह है। मतलब ऊपर को गांव है, जो पूरे घर बने हैं ना वो जो पहाड़ी लाइफस्टाइल होता है मतलब कल्चर होता है उसी के हिसाब से बने हैं भाई। और कितना खूबसूरत है ना यहाँ पे, ये आगे वादियाँ देखो यहाँ से, बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब दिल को यार सुकून पहुँचाने वाली जगह है भाई, कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर। और भैंसें चल रही हैं यहाँ पे खेतों में, बहुत बढ़िया। तो आगे को चलते हैं, आगे को दिखाते हैं आपको कुछ। तो भाई काफ़ी टाइम से कह रहा था मैं कि भाई थैलीसैंड में पहुंचने वाला, लेकिन अब फाइनली पहुंच गया हूँ। और अपने को ये बंदा भी मिल गया जिसके साथ मतलब जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। तो इसका नाम है सुरेंद्र बिस्ट, इसका अपना चैनल भी है। तो अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा मार्केट की तरफ में चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत मार्केट दिखाते हैं यहाँ पे, और कुछ खाते पीते हैं यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना चलते चलते, और थोड़ा इसके बारे में बाद में फिर बात करेंगे। तो यहाँ से सामने आप थैलीसैंड देख सकते हैं, थैलीसैंड काफ़ी खूबसूरत है यार। यार थैलीसैंड के बारे में बोलते हैं लोग कि मतलब यहाँ पे सब कुछ ही है ऑलमोस्ट, है ना, मतलब ऑलमोस्ट जैसा पौड़ी है वैसे ये भी है मेन पौड़ी मतलब ना, तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। तो ऐसा करते हैं पहले उधर को चलते हैं और थोड़ा चाय चुई पीते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी लग गई है। तो भाई ठंड भी दूर हो गई, चाय भी पी लिया, अब थोड़ा सा आपको थैलीसैंड दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आ रखे हैं तो थोड़ा सा कंटेंट बना के जाएंगे, आप लोगों को दिखा के जाएंगे ये जगह। तो दरअसल थैलीसैंड की मार्केट ना काफ़ी बड़ी मार्केट है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ पर यहाँ पर मतलब दिखा सके अच्छे से ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से दिखाएंगे, लेकिन अभी चलते हैं यहाँ से। और बोला ऊपर को एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा का पूरा थैलीसैंड दिखाई देता है, वहाँ से कोशिश करते हैं एक बार कि वहाँ से दिखाएं आपको इस जगह को। तो भाई अभी ऊपर आ चुके हैं और थैलीसैंड यहाँ से नीचे को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से नीचे को देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा नीचे ना। और इसी के साथ में यहाँ से पौड़ी है 81 किलोमीटर, पाबो 55 किलोमीटर और बूंगीधार है 42 किलोमीटर। तो यहाँ से पौड़ी भी जा सकते हैं, पाबो भी जा सकते हैं। दरअसल जो थैलीसैंड बसा है ना वो थोड़ा सा नीचे को बसा है जैसे कि आप देख रहे होंगे, और मैं जो जिस रोड से आया था ये ऊपर वाली रोड ही है जिससे मैं होके हुआ आता यहाँ पे। और उस साइड में ना यार गांव बड़े ही खूबसूरत है, जो वहाँ पे घर बने होते हैं बेसिकली वो बहुत अच्छे थे वहाँ पे। तो इस वादियों को देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी बेसिकली जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह को कहते हैं कन्यूर, तो ये कन्यूर गांव है ऊपर को, और यहाँ पर कन्यूर गांव की छोटी सी मार्केट भी है। तो अभी यहाँ पर ना दरअसल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बाइक वहाँ पर खड़ी कर रखी है मैंने उस साइड में। तो इस जगह को देख सकते हैं यार, जगह तो बहुत ही बढ़िया है। और सामने आपको ना मरड़ा गाँव दिखाई दे रहा है जो कि एसबी पहाड़ी का गांव है भाई। तो इसका गांव है, इसको मैंने जैसे कि थैलीसैंड में पहले भी इंट्रोड्यूस कराया था, इस साइड से शायद शक्ल अच्छी आएगी। तो एसबी पहाड़ी का दरअसल मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी इन्होंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया। क्या बनाते हो वैसे आप? ब्लॉग्स अपने? हाँ मतलब लाइफस्टाइल के ना। तो ये लाइफस्टाइल के ब्लॉग बनाते हैं, अभी मतलब रिसेंटली स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो दरअसल हम ना यहाँ से काफ़ी ऊपर तक जाने वाले हैं, जगह का नाम क्या है? दूधा तौली करके नाम जगह का नाम है। तो वहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ पर रुकेंगे आज रात को, लेकिन वो आपको दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी हम गांव की तरफ में जा रहे हैं, थोड़ा गाँव दिखाता हूं। तो भाई चलते हैं गाँव की तरफ, और जो मतलब जिस बंदे को पता है ना यहां के बारे में मतलब गाइड करेगा जो, वो भी आ गया, आगे को चल रहा है।
तो जगह की बात करूँ यार, जगह तो मतलब बहुत बढ़िया है, अपने को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके ना। तो नीचे को देखोगे, नीचे को नदी है। तो भाई गांव में काफ़ी ऊपर तक आ गए, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ से गांव दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से आगे को देखते हो, ये गांव दिख रहा पूरा। तो भाई पहुँच गए SB पहाड़ी के घर पे। थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाई था और धूप भी थी ना, इसलिए थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलेगा। और यहाँ से आगे को देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो भाई अभी हम तैयारी कर रहे हैं ट्रैकिंग के ऊपर को ना, तो यहाँ पर दादी जी हैं जिनके घर पे मैं आया हूँ। तो उनका दरअसल जो कल्चर है, हाँ जी हाँ, उनका जो कल्चर है ना पहनने का, जो मतलब लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही सुंदर है। और हमारा जो पुराना कल्चर है वो देखने को मिलता है। दरअसल मेरी दादी भी पहले इसी तरीके से पहनती थी, बट बहुत टाइम हो गया अब हमारे वहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट ये जो कल्चर है ना वो एक तरीके से मतलब ख़त्म सा हो गया। तो यहाँ पर दादी जी को देखोगे ना, जैसे एक कल्चर है जो मतलब ब्लैक कलर का पहनते हैं, काला कलर का। दादी बन के बोल दी यहाँ वो गथी पंची। हाँ। तो दादी ने यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पहना है। तो जैसे नाक पे पहना है, जैसे चांदी है ना पूरा, तो चांदी देखो कानों पे देख सकते हैं आप, और इसी के साथ में गले में। तो मतलब कितना खूबसूरत है ना पहनावा मतलब। तो दादी कुछ बताओ, अजरे यहाँ बारे में कुछ बता सकते हैं जो आप अगे पहनावा चे यहाँ को क्या बोल दी मतलब यू को बुरखला। ये बुरखला कंदड़ू पर बुरखला, तो इनको कहते हैं बुरखला कहते हैं जो कान पे पहना दादी। और यह है डुगरी जो नाक पे पहना है। और ये आपको जो गोला मछली आप माला, अच्छा माले के बोल दी है। तो काफी अच्छा है पहनावा, बहुत बढ़िया। तो दादी जी को भी दिखा दिया। काफी अच्छा है ना पहनावा, बहुत टाइम बाद देखा है ऐसा। तो दादी बस इतने ही दिखाना गए, ठीक से अच्छा जी। तो अभी हम चलते हैं। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरा ब्लॉग आप यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत गांव दिखा दिया। और जब वहाँ से वापस आ जाएंगे फिर आपको अच्छे से गांव दिखाएंगे, यहाँ का कुछ और जगह भी है। तो अभी क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपने साथ में एक और गाइड भी है, आ जाओ भाई। क्या नाम बताया था यार तुमने? बालम। हाँ, तो बालम है, और इनको इस जगह के बारे में अच्छे तरीके से बताया, तो हम इन्हीं को लेके जा रहे हैं अपने साथ में। और इसी के साथ में SB पहाड़ी भी हैं, तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी रिसेंटली मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है, और अच्छा काम करें, धीरे धीरे इस जगह को एक्सप्लोर करें। तो मेक श्योर कि आप इनके चैनल पर भी विजिट करें और इनको भी सपोर्ट करें अच्छे से। तो अभी क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं ना। सभी सामान, हाँ सामान भी रख लिया। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे किसी फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।